नए ब्लॉग में स्वागत है। तो फाइनली फिर से आ चुके हैं फिनिक्स फिलॉसफी मॉल, जो कि मैं प्रेजेंट टाइम में फिनिक्स फिलॉसफी मॉल के बाहर हूं और अभी चलता हूं अंदर, एंट्री करता हूं, आपको फिर से अंदर का व्यू दिखाता हूं। गाइस, लखनऊ में बहुत सारे मॉल हैं लेकिन फिनिक्स फिलॉसफी मॉल के मुकाबले कोई भी मॉल नहीं है। इसी के जस्ट बगल में हमारा लुलू मॉल है, वो हमारे एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, लेकिन हम उसकी सुंदरता की बात की जाए भाई तो फिनिक्स फिलॉसफी के मुकाबले कोई भी मॉल नहीं है। देख सकते गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मॉल। इधर स्कूल के बच्चे यहाँ पर टूर पे आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ड्रेस में, स्टूडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो जो कूक है वो जो भाई मेरा दोस्त अनमेश हम लोगों का वेट कर रहा है, बस आ गए। वो फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री करते हैं और फिर आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। क्या हुआ? अरे लेट हो गया यार, थोड़ा काम हम लोग कर रहे थे, हम लोग थोड़ा काम कर रहे थे भाई, मैं इसकी वजह से लेट हुआ हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग विविड यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं ना, तो आज ये काफ़ी जल्दी छुट्टी हो गया, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले सोचा भाई चलते हैं फिनिक्स मॉल घूम के आते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कहीं खाना खाते हैं फिनिक्स प्लासो के अंदर, उसके बाद आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। भाई लेकिन एक बात है ना कि इस मॉल के मुकाबले कोई मॉल नहीं है। सबसे अच्छा मॉल है ना, सबसे अच्छा भाई मॉल मुझे ये लगता है फिनिक्स प्लासो। इधर बैठो, इधर हाँ इधर बैठते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनिक्स प्लासो के अंदर कैंटीन टाइप का बनाया गया है, यहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर करके यहाँ पर आप बैठ करके कुछ खा सकते हैं। तो गाइस, हम लोग कुछ खाने के लिए ऑर्डर किए हैं, जो कि हमारा मटर पनीर है और नॉन है, और अभी बोला कि 5 मिनट रुके भाई आपको मिल जाएगा, तो अभी भाई 5 मिनट के अंदर बना रहा है, उसका हम लोग ऑर्डर करते हैं। राजस्थानी हम लोगों का नाश्ता समझ लीजिए कि आ चुका है, चलते हैं खाते हैं फिर। तो राजस्थानी खाना खा चुके हैं और अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं, अभी चलते हैं हम लोग नीचे। तो भाई, हम लोग चलते हैं स्मार्ट बाज़ार में, जो कि सुबह भाई को कुछ लेना है, हम लोग यहाँ पर बैग जमा कर देते हैं, मेरा भी बैग जमा कर देते हैं। आओ इधर आओ, इधर आओ, क्या ले रहे हो यार? ये बताओ तुमको लेना क्या, शुभम लेना है? ये दोनों झगड़ा बताने क्यों कर रहे हैं यार, क्या लेना है तुमको ये बताओ, तुमको लेना क्या है? परफ्यूम? परफ्यूम लोगे और क्या, खाते नहीं हो क्या? कौन सा ले रहे हो यार भाई? परफ्यूम तो बहुत है, कौन सा? ये ला,
बस गाइस सामान तो इतने भरे पड़े हैं, इतने भरे पड़ रहे हैं, पर पैसे नहीं है, पर पैसे नहीं है। ये देखो इतने अच्छे अच्छे भाई टी शर्ट आ गए हैं, ठंड का मौसम भी आ गया है, काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, कलर देखो काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो कितने अच्छे अच्छे टी शर्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर के भाई, मुझको तो सब पसंद है। क्या हो शुभम, क्या तुमने देखा परफ्यूम लिया? अच्छा कितने का पड़ा? 150। चलो अच्छा हुआ, अब ले लिए तुम, चाहे ना हो ना ना हो, ठीक है तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये लो लगा लो। अच्छा चलो ठीक है। ये देखो गाइस छपरा टाइप का बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है जैसे गांव की तरह जिस प्रकार से छपरा होता ना, उसी प्रकार से सेम इसको अंदर बनाया गया है। वैसे ये किसका है भाई? ये भाई रियलिटी में जो गाँव में मूज होता ना उसी का ही है। जानते भाई मूज? हाँ तो ये हाँ मूजा, ये मूजा का बना हुआ है छप्पर। तो गाइस अनवेज ने 3 बोल्ड मसाले लिए हैं और शुभम भाई ने बोल्ड मसाले लिए हैं, तो दोस्तों बिल्कुल हम लोग सामान ले चुके हैं और अभी बैग लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। ये भाई टोकन लो भाई, टोकन वो लगे का ये लगे है, ये लगे ये वाला मेरा भाई बिल चेक करवा लिया ना। हाँ बैग यार के मॉल में घूमते घूमते 3-4 घंटा इन्वेस्ट हो चुका है और फाइनली हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इधर से होना क्या हुआ? हाँ जो भाई जब से फ्लिक फ्लॉसो मॉल में आए तब से ये दोनों 1 घंटे से क्या, जब से हम फिर फ्लॉसिंग मॉल के अंदर तब से लोग दोनों झगड़े कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। ये देखो अभी भी कर रहे हैं। क्या हुआ और बना रहे? तुम दोनों झगड़े क्यों कर रही है मुझे समझ में आया। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बेसमेंट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल गाड़ी पार्किंग पर खड़ी होती है। तो भाई गाड़ी कहाँ पर खड़ी है? ये नहीं है यार, तो देखिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी मिल गई अपनी, ये अपनी गाड़ी है। चलो निकलो चलते हैं।